नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल HP Job Alert में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे HP पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम 2019 के बारे में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें आपका, एक्सप्लोरर और फायरफॉक्स जैसे सॉफ्टवेयर डैश भी कहलाते हैं। दोस्तों, इसके ऑप्शंस रहेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ब्राउज़र, इंटरनेट टूल्स। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ब्राउज़र, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर दो, गोताखोरी में श्वसन के लिए जो गैस प्रयुक्त होती है उसमें ऑक्सीजन और डैश का समावेश होता है। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा हीलियम, ऑक्सीजन और हीलियम का समावेश होता है इसमें। इसमें नाइट्रोजन जो है 0% होती है, तो इसका आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर बी। तीसरा क्वेश्चन है, जंक ईमेल इज आल्सो कॉल्ड एज, जंक ईमेल को यह भी कहते हैं। इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, स्पैम। क्वेश्चन नंबर चार है, संकल्प परियोजना किसके उन्मूलन से संबंधित है। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर चार का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, HIV एड्स से। संकल्प परियोजना HIV एड्स से संबंधित है। दोस्तों, मैं मैथ्स के क्वेश्चन पीछे छोड़ रहा हूँ। अगर आपको इसके लिए वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बताएं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर नाइन, द डेंसिटी ऑफ वाटर इज। दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, मिनिमम एट 0°C। ह्यूमन स्किन इज, मानव चर्म स्किन है। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा इज एन ऑर्गन, ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, भारतवर्ष में नवजात शिशु को कौन सी वैक्सीन दी जाती है। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा BCG, ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 है, प्रेशर कुकर में खाना पकाना आसान क्यों होता है। इसके ऑप्शन रहेंगे, ऑप्शन नंबर ए, यह उच्च दबाव व अधिक तनाव उत्पन्न करता है। ऑप्शन नंबर बी, कुकर के अंदर अधिक भाप बन जाती है। ऑप्शन नंबर सी, पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर डी, पानी का क्वथनांक कम हो जाता है। दोस्तों, इसका आंसर आप हमें कमेंट करके बताइए। देखते हैं सबसे पहले कौन सही आंसर इसका बताता है। दोस्तों, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की, तो इसमें आपको यहाँ पर ऑड नंबर जो है वो देखना है। विजातीय चुनकर अलग कीजिए, जापान, चीन, कुआलालंपुर, इंडोनेशिया। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं जापान एक कंट्री है, चीन भी एक कंट्री है और यहाँ इंडोनेशिया भी एक कंट्री है, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी जो है विजातीय ऑड हो जाएगा, इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, यदि माह का तीसरा दिन सोमवार हो तो उसी माह के 21वें दिन के पश्चात पांचवा दिन कौन सा होगा। इसका सही आंसर होगा दोस्तों बुधवार, ऑप्शन नंबर बी है, पांच लड़कों में बसंत मनोहर से लंबा है परंतु उतना नहीं जितना राजू है। जयंत प्रदीप से अधिक लंबा है परंतु मनोहर से छोटा है, कौन सबसे लंबा है। इसका सही आंसर होगा राजू।
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, अंग्रेजी शब्दकोश में निम्नलिखित में से कौन तीसरे स्थान पर आएगा? दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मॉनेटरी। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 27 करते हैं, चूज द ऑड वन आउट। दोस्तों इस क्वेश्चन में सबसे जो अलग होगा उसको आपको चूज करना है। यहाँ पर ऑप्शन ए दिया गया है PRT। इसमें दोस्तों आप देख सकते हैं कि पी के बाद क्यू को छोड़ा गया और RPQRS को यहाँ पर छोड़ा गया है, एक छोड़ के लिखा गया है PQRST। सी, ऑप्शन नंबर सी, CDEFG UVWXY। यहाँ पर देख सकते हैं क्यू के बाद ओ और एम है, ये थोड़ा अलग है सबसे, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसमें सही हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 49, लड़के ने लाल कमीज पहनी है, इसमें से आपको विशेषण जो है बताना है। लड़के ने लाल कमीज, विशेषण दोस्तों क्या होता है, जो किसी वस्तु की विशेषता को प्रकट कर रहे हैं। इसमें किस रंग की जो है कमीज पहनी है, क्या विशेषता है उसकी, लाल रंग की पहनी हुई, तो बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। झील की गहराई का अनुमान लगाना कठिन है, झील की डैश यानी कि गहराई, यहाँ पर गहराई जो है विशेषण होगा। अगला है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित लोकांक्तियों को का अर्थ बताएं। सफ़ेद झूठ। दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा, जो साफ पता चले कि झूठ है। अगला क्वेश्चन है, लाल पीला होना यानी कि गुस्सा आना। नीचे लिखे वाक्यों में क्रिया विशेषण को चिन्हित करें। हादसे के बाद में वहां से सरपट भागा, वहां से किस तरह भागा, सरपट यानी कि सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। यहां पर है, रेलगाड़ी धीरे धीरे पहुंच ही गई, इसमें ऑप्शन नंबर एक सही होगा, धीरे धीरे। रमेश इतना तेज दौड़ा कि वह बहुत आगे निकल गया, इसमें तेज जो है बी ऑप्शन सही होगा। निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया को चिन्हित करें। गया शहर किस प्रदेश में है? इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, मैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, तुम अभी चुप रहो, इसमें ऑप्शन नंबर सी चुप जो है राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 58, सही शब्द चुने। मातृभूमि, इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा आपका, मातृभूमि। अगला क्वेश्चन है, सही शब्द चुने। सूर्य ग्रहण, ऑप्शन नंबर बी इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अवनि का विपरीतार्थक शब्द चुने। इसमें दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट करके बताएं। इसके ऑप्शन रहेंगे आकाश, नभ, अंबर, आसमान। अगला क्वेश्चन है, इन मुहावरों का अर्थ बताएं। तो 36 का आंकड़ा यानी कि, दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पक्की दुश्मनी। आसमान सिर पर उठाना, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, सबको तंग करना।
दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्द समूहों में उस शब्द को चुनें जो अन्य से मेल नहीं रखता है। जूता, चप्पल, मोजे, बेल्ट। दोस्तों ये तीनों आपके पैर से संबंधित है, तो बेल्ट कमर से संबंधित है, इसलिए बेल्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, नदी, झील, वर्षा, तालाब। इसमें वर्षा अलग है, इसलिए ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को सर्वप्रथम राजीव गांधी खेल रत्न प्रदान किया गया था। तो इसमें सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कर्णम मल्लेश्वरी को। अगला क्वेश्चन है, राम कृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट करके बताएं। इसके ऑप्शन रहेंगे रामकृष्ण परमहंस, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद और श्री केशव चंद्र सेन। अगला क्वेश्चन रहेगा, हिमाचल की सबसे बुजुर्ग मतदाता का निधन हाल ही में हुआ, जिन्होंने लोकसभा 2019 में मतदान किया था, उनका नाम क्या था। उनके ऑप्शन नंबर सी ए इसका सही आंसर होगा, शामी देवी। अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है। इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर ए, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मणिपुर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत में सेवा क्षेत्र में नहीं आता। बीमा, परिवहन, निर्माण, होटल व रेस्टोरेंट। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, निर्माण। अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन से जिले में वनाच्छादित क्षेत्र निम्नतम है। इसमें ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ऊना, यानी कि फॉरेस्ट कवर एरिया जिसमें सबसे कम है, ऊना इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, एक डिग्री अक्षांश का निरूपण कितने किलोमीटर होता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर एक, 111 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, रोहतांग सुरंग की लंबाई कितनी है। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। इसके ऑप्शंस रहेंगे 10 किलोमीटर, 9.2 किलोमीटर, 8.8 किलोमीटर और 8 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन होगा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति शासन लागू करने की शक्ति निहित है। इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 356। अगला क्वेश्चन है, भारत के स्वतंत्रता संग्राम में करो या मरो का नारा किसने दिया था। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर भी हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे, देखते हैं सबसे पहले कौन इसका सही आंसर देता है। इस क्वेश्चन के ऑप्शन रहेंगे सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय, चंद्रशेखर आज़ाद। अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में लोकसभा का पहला चुनाव किस वर्ष हुआ था। इसका सही जवाब होगा 1952 में। अगला क्वेश्चन है, अकबर के प्रशासन में किसने स्थायी बंदोबस्त प्रणाली पर काम किया था। इसका सही जवाब होगा टोडरमल, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, उपनिषद पुस्तकें हैं। इसका सही जवाब होगा दर्शन शास्त्र की, उपनिषद पुस्तकें दर्शन शास्त्र की हैं। अगला क्वेश्चन,
कुल्लू सुल्तानपुर से पहले कुल्लू रियासत की राजधानी कहाँ थी? इसका सही जवाब होगा नगर में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी का पौराणिक नाम पारुषणी था? इसके ऑप्शंस हैं ब्यास नदी, रावी नदी, यमुना नदी और सतलुज नदी। दोस्तों इसका सही जवाब होगा रावी नदी। अगला क्वेश्चन है, शिमला को कब भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1864 में। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।